ये बना बनाया है, सही है फिर तो यार। और ये देखो गाइस, कल ना मेरे से गाड़ी लग गई। साइड लुक ज़ूम करके दिखा। ज़ूम अब ये वाली दिखाने भी सुंदर नहीं लग रहे आप, एक घंटे से शीशे के सामने खुद को देख ही जा रहे। जड़ियां अखां मुरे लटां तेरियां आउंदियां ने, सच दसां ता किन्नियां सोहणियां मन नूं पौंदियां ने। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। अभी आज का व्लॉग जो है मैं शाम को शुरू कर रहा हूँ। मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा था, वो काम मैंने एक डेढ़ घंटा करा लगातार, और मेरी आंखें ऐसे होगी लैपटॉप के मुरे बैठ के। अच्छा, अभी निधि ना मेरे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने वाली, पता नहीं क्या 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 मंगवाती रहती है यार। ये क्या, इसका नाम क्या पहले मेरे को इसका अगर तू नाम बता दे, इसका इस प्रोडक्ट का नाम बता दे तो मैं तेरे को 1,00,000 रुपए दूंगा। तो बता तो दिया, 1,00,000 निकालो। क्या हीटलेस कर्लर? ये कर्लर थोड़ा है। तो ये कर्लर है भाई, क्या हो गया? अरे ये खाली फोम की डंडी सी। कितने रुपए की है ये? सच सच बता। 120 की 10। भाई साहब, ये फोम की डंडियां हैं, ये फोम की डंडियां हैं, कर्ल हुए थे, ये फोम की डंडियां हैं, और उसमें ये प्लास्टिक की नोब लगा रखी है। देखो बस डुगू, आपने देखे थे ना मेरे बाल कितने अच्छे हुए थे। बहुत ही बेकार लग रहे थे, पर आगे से कुछ ज्यादा ही हो गए थे। बहुत बेकार लग रहे थे, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो लगा रहा हूँ, इसके देख लेना। नहीं थे बेकार, नहीं कम से कम 1 घंटा लगा के रखे थे ना तुमने। 1 घंटे में ही हो गए थे। 1 घंटे में हो गए थे, और 5 मिनट में खत्म भी हो गए। नहीं हुए खत्म, मैंने काम कर ली। ये देखो अभी भी वॉल्यूम, देखो बालों में, ये देखो यहाँ से भी है अभी। देखो नजदीक से दिखाओ लोगों। नहीं वॉल्यूम तो है, ये देखो। अब मेरे को कर्ल कर रही है, एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर क्यों करती है? मैं बताऊं लोगों को, पहले बता दे दो। हां गाइस, अगर आप ऐसे कर्ल्स करोगे ना, तो अभी मैंने क्या है ना कि प्रेसिंग करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है ना। तो मैं हीट यूज करती हूँ अपने बालों में, कुछ भी नहीं करती हूँ। तो अब कर्ल्स तो बनाने ही होते हैं, वीडियोज वगैरह बनवानी होती है, तो उसके लिए कर्ल्स मेरे को करने होते हैं। और ये देख सकते हो आप, अभी भी मेरे बालों में कर्ल है, वो बढ़िया लग रहे हैं अभी भी। लंबे हो गए ना, मन नहीं करता अब कुछ करने का। और जितिन का मेरे को ना मन है, इन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि यार मैं अपने बालों में कर्ल डला लूं। मैंने बोला एक बार देखती हूं जरा कैसे लगेंगे। कर्ल डलवाए हुए मैंने मोटे वाले, अच्छे नहीं लग रहे थे पर जब पहले। अरे वो सबसे पहले डलवाए थे तब अच्छे नहीं थे, बिकॉज वो बहुत बारीक थे। लेकिन जब सेकंड टाइम डलवाए थे, मोटा गर्ल था, तो वो अच्छे लग रहे थे। तो मेरे को ना कुछ एक्सपेरिमेंट। वो वीडियो नहीं देखी मेरी तुमने डीजे वाली, इंस्टाग्राम पे इतनी वायरल मेरी, उसमें कितना सेक्सी लग रहा हूं मैं। आपके ना जब हम, याद है हम जब मनाली गए थे डुगू, मनाली से आने के बाद फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सदाबहार वीडियो हमने नाम दिया गया था हमारी उस वीडियो को, सदाबहार वीडियो। ठीक है, समझ गई। उसमें मैं कितना सेक्सी लग रहा हूँ। लोग लड़कियां पता क्या कमेंट कर रही थी, आपका पति सिंगल है क्या, आपका पति मिलेगा क्या, ऐसे कमेंट कर रही थी। मेरी सुंदरता, मेरी सुंदरता, मेरी सुंदरता को निहारा जा रहा है यार। मेरे को बाकी का नहीं पता, पर मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हूं अपने पति को लेके। चल कर दे, ये तो आपको भी पता है ना डुगू। हां गुड गुड, ये मेरे बाल खराब तो नहीं हो जाएंगे पहले? सच सच बताना। नो वे, ये तो छोटे-छोटे बाल है ना आपके, तो फिक्स है। अभी तो कटाए हैं कुछ दिन पहले मैंने। अच्छा, एक ही डंडी में कम से कम 2-3 लटाए आ जाएंगे ना आराम से। ये देखो गाइस कैसे लग रही है। जूडियो वाला नेल पेंट लगाया आज तो। वो बात छोड़ यार, तू मेरे बाल चेक कर, कितने अच्छे लग रहे हैं। टच वुड नजर ना लग जाए मेरे बालों को। बालों की जो हेल्थ होती है ना, वो अच्छी है। हाँ, मेरे बाल बढ़िया खांदे पींदे, डाइट बढ़िया फॉलो करते हैं यार। तंदुरुस्त करूँगा, खांदे पींदे करूँगा यार। ये देखना पिंपल कैसे हो गया। ये पिंपल हुआ क्या हुआ? मधुमक्खी तो नहीं, मधुमक्खी ने पप्पी तो नहीं करी मेरे यहाँ पे यार। यहाँ मधुमक्खी की, अभी जब सो के उठा ना शाम को मैं, तभी हुई है। मधुमक्खी की हिम्मत नहीं है वो आपको पप्पी कर दे। अरे बाल खींचे जा रहे निधि, बहुत तो नहीं। अभी तुमने ऐसे करा ना तब खींचा गया था। व्हाट इज दिस? अगर मैं ये लगा के बाहर जाऊंगा ना, लोगों ने कहना एलियन आ गया।5-6 डंडियां लगा देनी।
इतने तो आगे बाल भी नहीं है, पांच छह डंडियां लगानी है आपके। तो डंडी बोलूंगा और क्या बोलूंगा इसको, क्या बोलते हैं कर्ल वाली डंडियां, इसका नाम दिया गाइस हम लोगों ने कर्ल वाली डंडियां। अनबॉक्सिंग करना है, अनबॉक्सिंग कर इसको। नहीं बाल नहीं काटे हैं, मेरे को पता है इतना ऊपर पहुंचता नहीं। ये क्या किया, ये तेरी बहन के कारनामे है, पागल है। इसके भी डाल दे डाल दे वो गाड़ी से आ, उसमें जो है नहीं जहाँ मैं अपना वॉलेट रखता हूँ, वॉलेट निकाल ला मैं। तो गाइज ये देखो, निधि ने मेरे जो है ये डंडियाँ सी लगा दी हैं और कैसी अजीब सी लग रही हैं। अभी इनसे तो लगाई लगाई है, दुगु लगानी पड़ेगी। दुगु जी ये क्या कर दिया आपने मेरे बालों का है? मैं सुबह उठोगे ना अभी कुकड़ी 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 लगाओगे। अभी मैं बाहर नहीं जा सकता गाइज, इस हाल में लोग हंसेंगे मेरे को के मेरे पे के ये क्या कर दिया। तभी आदू से मैंने अभी वॉलेट मंगवाया है, जरूरी था मेरे को। ठीक है खुशी बटन से गाड़ी बंद करने की खुशी, चाबी से नहीं करी। अरे बंद हो जाती है यार, बटन से ही होता है। हां तो क्या मेरे को पता ही नहीं था मेरे को, तो डोर हैंडल पे बटन क्यों लगा रखा है। अच्छा मैं देख नहीं रहा बटन, गाड़ी अगर इसको चलानी आ गई ना फिर तो पैर ही नहीं बनते। गाड़ी चलानी इजी है, तो मैं सिखाऊंगी इसको साइकिल। साइकिल पे गिरने का डर नहीं आता है, मैं इसको साइकिल सिखाऊंगी वहां पे देखो मैं चलाऊंगा प्लीज, है ना। हंसी आ रही है पता नहीं यार क्यों। तुमने छोटे होकर साइकिल चलाया है? हाँ यार। नहीं चलाया, अगर चलाया होता तो खड़े होकर चलाता था, इसको पता नहीं क्या हो गया। अगर चलाया होता तो नहीं, मैं बहुत बड़ा था, एक टायर वाला है, साइकिल बड़े हैं, हैवी नहीं है साइकिल बड़ा है। हाइट के साथ पैदल चलता है ये पता है? आई नो, पता है मुझे, मत बता मुझे, मत बता। वो कह रहा था सर मेरे भी कर दे, देखना कैसे कह रही है मेरे को, खुशी अंदर से कि मेरे को करने पड़ेंगे इसको, ये ना बस दिखा रही है कि यार ओहो मेरे को करने पड़ेंगे अंदर से, पर पता कैसी है ये, मैं करूँगी अब आदू के भी। हाँ तो मम्मी के भी कर दूँ, मम्मा से मम्मी ता डिया कर दो तो एकदम। मम्मी ते मासी दियां गल्लां नहीं खत्म होंदियां यार, यार एक गल दा जवाब दो, मम्मी ते मासी इदां दियां कड़े गल्लां करदे हुंदे, मतलब हर एक दी मम्मी अपनी अपने मासी हुंदी, तुम्हारी मम्मी भी कर अपनी बहन से। अच्छा तेरी बहन नहीं है ना, मामू है ना हमारी मम्मी, इकलौती मम्मी है, इकलौती बहन, इकलौती मम्मी है, तो कितनी मम्मी है तेरी। क्या बोलती रहती है ना यार ये, मैंने बोला था आते ही तेने बोला, मैं तो ऐसी बोला मेरे को, इसने ना लोगों को करानी है सच में। ये ऐसे भी लड़ते भी हैं गाइस देख लो यार, क्या कर रहा है, लगाने नहीं है यार, तेरे को क्या शौक चढ़ा है सबके बालों में ये लगाने का, शौक चढ़ा मेरे को थोड़ी, मैंने तो तब लगाया तूने बोला, मैंने भी तभी लगाई थी तूने बोला, मेरे को भी कोई शौक नहीं चढ़ा, ऐसे ही बोलेगी रहने दे जब लगाने शुरू कर दिया। यही बात है, तुम दोनों तो बहुत अंदर से तो बहुत खुश हो रही थी जब एंटर हुई वहाँ पे। आए वाह वाह, तेरे बाल टूटेगा बाबू, इसमें रहन दे बाबू, पति के टूटते हैं तब कर लिया आटा खिला तो नहीं है मैंने, क्या इसकी वो बस कट करवा देता हूँ, अच्छा लगेगा इस पे बस कट, मतलब छोटे बाल होते हैं पर गंजा नहीं होता उसमें, पूरा गंजा कर दो, अरे पूरा नहीं बस कट करवा देता हूँ, गंजे से तो बेहतर है ना, बस कट छोटे छोटे हो जाए बहुत बड़े हैं, दिखाता हूँ मैं तेरे को, उसने शाहिद कपूर ने करा था एक बार, मैं दिखाता हूँ अच्छा लगेगा, शाहिद कपूर का क्या झड़ने लगते हैं तेरे बाल, सेम तेरे वाला हाल है ना मेरे हाल है। सही बात है, छोटे रखने क्योंकि अभी सही, अगर गंजे हो गए सही बात है, सो गई फाइनली दो घंटे के बाद रिजल्ट की घड़ी आ गई है, अगर रिजल्ट अच्छा ना आया, अच्छा रिजल्ट आना था अर्ली मॉर्निंग, रहने दे फिर निकाल यार, रात को नींद नहीं आई कैसे तुम्हें, पासा भी नहीं ले जाना है मेरे को लगता है फनी लगने वाले यार, बताता हूँ तेरे को मैं, रुक जा जो तुमने दिल से कहा, आदू सही रहेगा, उसके बाल छोटे थे ना तो उसके हुआ नहीं, सही लग रहे हैं यार, देख तो लेने दे पहले कैसा लग रहा होगा तुम्हें। मम्मा एक मिनट बाय बंद करो, ये क्या बना दिया भाई, अरे रुको इधर दो मत करो, बालों में हाथ भी नहीं फिर रहा, ये क्या बनाया लगी रुको, वैक्स लगी हुई थी जहाँ तो मेरे को सिर धो के करने दे, अब और ज्यादा कैडे हो गए
पर नहीं मैं सोच रही नहीं मैं आज सोच रहा है चाहे मैंने नहीं करवाया क्या कर दिया नहीं वैसे ऊपर से देखने में बहुत सही लग रहा है आगे से ही लग रहा है पीछे से देखना मैं कहा जब कहीं जाओगे फिर ऐसे करना अरे कपड़े ही सारे लोग सोच रहे कि एकदम हीरो की एंट्री होने वाली है ऐसे ऐसे वाले बाल लेके नहीं आगे से फिर भी ठीक है ना पीछे से लग रहे अम्मा सही लग रहे हैं चोर मार का शक्ल नहीं सही लग रहे हैं नहीं सही लग रहा क्राउन देखने आते नहीं ना मेरी अपन उधर ऐसे आगे कहां लग रहे हैं क्या बात है शरीफ नहीं लग रहे हैं देखने से शरीफ लग रहे हैं तुम फुकरबाज लग रहे हो एक नंबर के सही लग रहा नहीं फुकर ना तो मैं फुकरबाज लग रहा हूं ना मैं शरीफ लग रहा हूं मैं लग रहा चोर वही बच्चे बंदा ये मॉडल ना हमारा ठीक नहीं है काम का मैं भी पैसे दे इनको अरे यार ये क्या बना दिया है हाँ ये साइड लुक ज़ूम करके दिखा अब ये वाली सो गाइस ये है फाइनल लुक हमारे हीरो की थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है कोई बात नहीं हमने वैसे ही आपको वेलकम बोल दिया है तो ये साइड लुक है और ये रहे बाल सो क्यूट के लग रहे हो कह रहा फुकरबाज कम और सो क्यूट मेरे तो नॉर्मल ही ऐसे लग रहे हैं इतने भी सुंदर नहीं लग रहे आप एक घंटे से शीशे के सामने खुद को देख ही जा रहे अरे यार मैं देख रहा अपने आप को देख ही जा रहे दाढ़ी गलत कर दी थी उसने इस बार पर यार देखने में से ओ भाई ये लुक आपकी बहुत सही लग रही इधर मुड़ो मम्मा को पता लगे मम्मा ने काटा मार दिया डुगो आपके बालों में तेरे को पता लगे ठीक है एक नंबर का फुकरा एक नंबर का फुकरा मम्मी कहते एक नंबर का फुकरा था मम्मा को पसंद नहीं आई पर आपकी फुकरबाजी एक बाली सिंपल कपड़े सिंपल हेयर स्टाइल फिर उसमें फूक मारते रहे ना नो डाउट आप बढ़िया इन्हें सही नहीं किते अच्छा मैंने सही नहीं किए दूसरी बार आना मेरे पास कॉल करने तो हे गाइस गुड मॉर्निंग और आज है अगला दिन अभी आपको ना थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा अंधेरा इस वजह से है बिकॉज बाहर का मौसम चेक कर सकते हो मौसम चेक करो गाइस बादल हो रखे आई थिंक बारिश होगी मौसम में पता क्या दिल करता है मेरा स्पेशली मैं स्कूटी निकालता हूँ और ऐसे ही घूमने चला जाता हूँ बढ़िया से मौसम में तो अभी मैं ऐसे ही जा रहा हूँ बाहर और निधि यहाँ पे जो क्या कर रहे हो जी काम तो निधि यहाँ पे जो है व्लॉग एडिट कर रही है कल से काम कर रहा था कभी स्कूटी निकालते और एक गेड़ी मार के आते हैं ऐसे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है मैं निकल जाता हूँ यार मीं आ गया ओहो गेड़ी कैंसल मेरे को ऐसे ना यार गाइस मौसम में घूमना बहुत पसंद है स्कूटी बाइक पे बढ़िया लगता है मतलब मौसम को एंजॉय करो नेचर को एंजॉय करो और ये देखो गाइस कल ना मेरे से गाड़ी लग गई पेंट उखड़ गया यहाँ से यहीं पे बैक कर रहा था दिखा ही नहीं ध्यान पता नहीं कहाँ था ज़्यादा ही जोश जोश में क्लच एकदम से छूट गया और जाके लगी दीवार में अभी आपने देखी थी बारिश और अभी देखो धूप इतनी तेज धूप हो गई अचानक से मौसम बदलते देर नहीं लगती आजकल इंसान चेंज हो रहे हैं ना वैसे ही आजकल मौसम चेंज हो रहा है कि आप इतना तैयार हुए धर्मपत्नी जी क्या बात है हैं शादी में जा रही हूँ किसकी शादी में किसी ओ भाई क्या बात है बड़ा अच्छा सूट पहना है यार अच्छा हाँ बहुत अच्छा है अगर गाइस इस सूट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं मिल जाएगा आपको इस सूट का लिंक सही है ना डुगू जी आपको मेरे हॉल वीडियो में मिल जाएंगे गाइस जैसे और भी अच्छे अच्छे सूट के लिंक वहाँ पे दिए हैं मैंने वहाँ पे जाकर आप लोग देखिए ना ये शॉर्ट आउट दे ही देती है अपने चैनल का जैसे तैसे करके ना तो नहीं अच्छी बात है सही लग रही हूँ ना हाँ ये रील्स बनाने के लिए तैयार हुई है ना तो
भाई साहब मैं नहीं हो सकता यार स्पेशल रील्स बनाने के लिए इतना ज्यादा तैयार। तो गाइस अगर तो कहीं बाहर घूर गए तैयार हुए हो तो मैं बना लूंगा, अदरवाइज मैं डालता ही नहीं हूँ। फिर अभी भी मैं पुरानी डाल रहा हूँ वीडियोस, चार दिन हो गए कुछ नहीं डाला। प्योर पंचोल बट आई एम नॉट इतनी लगी ना गर्मी, इतनी गर्मी गर्मी पहन के तैयार होते होते पसीना आ जाए, नाले मेकअप करूं नाले सिर्फ मेकअप मैं थोड़ा थोड़ा ही किया। पहले तो है ना अच्छा ठंडा मौसम था, बारिश हो रही थी जब मैं हॉल वीडियो बना रही थी ना, जब मैं तैयार हुई दोबारा वीडियो बनाने के लिए फिर इतनी गर्मी हो गई, ऊपर उफ निकल ही फेर हुई है। समझ नहीं आ रहा यार मौसम का हाल। ठीक है ऐसे करे थे क्या है का मतलब क्या था आपका सस्ता है या मेरे को लगा 5-600 का। पागल हो गए हो क्या, 5-600 में आपका सूट मिले? वैसे सिंपल मिलते हैं ना 600-700 के तो सिंपल ही मिलते हैं, कपड़ा हल्का होता है, नहीं अच्छा है सूट ये बना बनाया है। सही है फिर तो यार, क्योंकि देखो सूट बढ़िया सिलाना हो तो 600 सिलाई तो जा ही जाते हैं। हाँ भाई कह रहा हूँ 600 सिलाई लग जाती है, लाइनिंग वगैरह लग के प्रॉपर बनाई है। अभी मम्मी शाम की चाय बना रहे थे और शाम की चाय के साथ मम्मी कह रहे हैं कि मैं बनाती हूँ आलू प्याज के पकोड़े, तो यहाँ पे मम्मी आलू प्याज के पकोड़ों की तैयारी कर रहे हैं और साथ में वहाँ पे चाय बन रही है। ज्यादा नहीं बनाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाएंगे, खाने हमने 3-3, 4-4 पीसेस ही हैं। हाँ जी कितने पीस खाओगे फिर? जिन्ना खाने ही है। अच्छा मम्मी ज्यादा तलिया हो जाना फिर ता करके कह रहे हैं। अज कल यू नो मैं थोड़ा जा डाइट कॉन्शियस होना है वहाँ। सवेरे पूरियां केड़े सी पानी सी सच सवेरे पूरियां खा लिया ना मैं। ओहो मम्मी एयर फ्रायर लेना पड़ा यार, पूरियां भी एयर फ्रायर च बनाया करनी बन दिया, वैसे मैं पता नहीं है बन दिया कि नहीं बन दिया, कमेंट करके बताना गाइस क्या एयर फ्रायर में पूरियां बनती हैं। पर गरीब बंदे यार मम्मी कितने एयर फ्रायर यूज करने वाले, आपा कढ़ाई से तलने वाले बंदे देसी बंदे। जड़ियां अखां मुरे लटा तेरियां आउंदियां ने, सच दसां ता किन्नियां सोहणियां मन नूं पौंदियां ने, ओ तेरियां अखां वाला कजला जादू करदा वे, मैं सोच सोच के बेकाबू हो जाना है। बस करो इतना प्यार मत करो, नजर लग जाती है लोगों की। ओए होए 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 होए